हेलो गाइज, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दशहरा, ठीक है? सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और ये जो सक्सेस की 98 क्लास चलता है, ये बंगाल में चलता है, तो जितने भी बंगाल के मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी को शुभ विजया, ठीक है? तो आशा कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से इन्जॉय कर पाए होंगे दुर्गा पूजा को। हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत सारा घूमा पंडाल वगैरह, और बहुत मज़ा भी आया इस बार, ठीक है गाइज। लेकिन अब बैक टू वर्क, जैसा हम लोग बोलते हैं, काम पर वापस आ जाते हैं और क्लास कंटिन्यू करवाते हैं, जो कि है जीके का क्लास। रात को 8 बजे मंडे टू सैटरडे डॉट 8 बजे चलेगा, ठीक है? तो जीके का क्लास का टाइमिंग आप सभी को बार बार बताया जा चुका है, नोट रखिएगा। रात को 8 बजे चलता है जीके का क्लास, मंडे टू सैटरडे, और आज से क्लास एकदम कंटिन्यू होगा, 2 दिन ऑफ था बीच में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसके साथ, लेकिन बोल रहे होंगे भैया आज टॉपिक क्या, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि इस टॉपिक का नाम क्या है। चलिए नाम से स्टार्ट करवाते हैं इस टॉपिक का, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए यहीं पर लिख देता हूँ, टेम्पल्स, ठीक है? तो जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा, और टेम्पल्स कहां पर हैं, किस राज्य में है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और यहां से क्वेश्चन 1-2 मार्क के आ सकते हैं, और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भारत में रहते हैं तो। तो प्लीज़ गाइज, इस क्लास को इंटरेस्ट के साथ देखिएगा पूरा का पूरा, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आप लोग का हेल्प होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। लेकिन आपको 1-2 चीज़ पहले मैं बता देता हूँ गाइज, कि देखिए भारत में कुल कितने टेम्पल हैं, इसका काउंट करना आसान बात नहीं है, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा बन गए हैं पहले के हिसाब से, और मंदिर हम लोग देख ही पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं दिन पर दिन। लेकिन 2001 सेंसस के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, 2001 सेंसस के हिसाब से भारत में कितने मंदिर थे, टोटल कितने मंदिर थे, ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। भारत में थे 2 मिलियन से भी ज्यादा मंदिर, ठीक है? यानी 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर थे भारत में 2001 सेंसस के हिसाब से, 2001 में जो मंदिरों की काउंटिंग हुई थी उसके हिसाब से। देखिए बहुत पुराना हो चुका है ये, लेकिन यही डेटा लेटेस्ट नेट पे अवेलेबल था, 2 मिलियन, ठीक है? तो 20 लाख से ज़्यादा मंदिर भारत में हैं अभी, लेकिन ये 2001 के हिसाब से है। तो अगर इस हिसाब से क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है? अब आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, मंदिर में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है कि भैया सिटी ऑफ टेम्पल किसको बोला जाता है भारत में, सिटी ऑफ टेम्पल। तो सिटी ऑफ टेम्पल कौन है? भुवनेश्वर है, याद रखिएगा, भुवनेश्वर को बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है? भुवनेश्वर है सिटी ऑफ टेम्पल्स, ये आप लोग को याद रखना है। और 4 धाम में से 1 धाम जो है श्री जगन्नाथ का, वो यहीं पर है पुरी में, सभी को पता है उड़ीसा के अंदर। तो भुवनेश्वर है सिटी ऑफ टेम्पल्स। अब आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ, कि बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे होंगे कि भैया वाराणसी के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं हम लोग। जी हाँ बिल्कुल, वाराणसी जो है वो रिलीजियस कैपिटल है भारत का, रिलीजियस कैपिटल, आस्था का कैपिटल, ठीक है? वाराणसी जो है ये है रिलीजियस कैपिटल भारत का, यानी आस्था का कैपिटल, आस्था का राज्य, मुख्य राज्य जो आस्था का है वो वाराणसी है। तो ये सारे चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है? ये 3 चीज़ आप लोग को जरूर याद रखना है। इसके बाद अब क्लास की ओर बढ़ेंगे, क्लास पे चर्चा करते हैं। अब जल्दी से मैं सारे मशहूर मंदिरों के नाम बताऊंगा और कहाँ पर हैं ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। क्लास इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं पहला क्या बोल रहा है। देखिए पहला आ चुका है आपके स्क्रीन पर, ये अक्षरधाम मंदिर, बहुत ही मशहूर मंदिर है ये। और ये कहाँ पर है गाइज? तो ये है हमारे दिल्ली में,
बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी विजिट कर चुके होंगे, बस आप लोग जो भी लोग अभी तक जा नहीं पाए हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आपके नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इंडिया में रहते हैं कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को सारा कुछ पता होना चाहिए। तो अक्षरधाम मंदिर जो है ये है दिल्ली में, ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसे कर टोटल 50 जो फेमस मंदिर है भारत के वो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, जल्दी जल्दी क्लास कराऊंगा। सिर्फ आप लोग एक बार रट लीजिएगा, और क्लास के जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसमें आप लोग को आज पीडीएफ भी दे दिया गया है, तो क्लिक करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम से पहले एक बार, ठीक है। चलिए दूसरे पर जाता हूँ। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, अमरकंटक मंदिर ये है छत्तीसगढ़ में, काफ़ी भव्य मंदिर है जैसा आप लोग फोटो में भी देख पा रहे हैं। अमरकंटक मंदिर ये है हमारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल सिटी रायपुर है। सभी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मंदिर का नाम याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन दे देता है कि अमरकंटक मंदिर कहां पर है तो छत्तीसगढ़ ही ऑप्शन में दे कर आइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये काफ़ी मशहूर मंदिर है अमरनाथ गुफा मंदिर, यानी अमरनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर है, सभी को पता है ये कहाँ पर है, ये है जम्मू और कश्मीर में। अभी तो देश भर के मेरे जितने भी निवासी हैं सभी को इसका ज्ञान है, लेकिन ये काफ़ी मशहूर मंदिर है इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अमरनाथ का जो मंदिर है ये है जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नहीं है आज, कुछ सारे टॉपिक्स हैं, मंदिरों का दर्शन करवा रहा हूँ एक तरह से आप लोगों को आज जो शुभ अवसर है विजयादशमी का, इसमें तो ध्यान दीजिएगा क्लास पर, बस आपको याद रखना है कहाँ पर कौन सा मंदिर है हमारे भारत में, ठीक है। चलिए अगला जो देख लेते हैं क्या है, अगला बोल रहा है अंगरबाड़ी मंदिर, ये है झारखंड में, ठीक है, याद रखिएगा नाम, याद रखिएगा अंगराबादी मंदिर जो है ये है झारखंड में, नाम आपको याद रखना है और कहाँ पर है ये याद रखना है, बस इसके बाहर और कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है इसमें से, ठीक है। तो अंगराबादी मंदिर है झारखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए अन्नमलाई मंदिर, सभी को पता है अन्नमलाई मंदिर कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। देखिए मंदिर कितना भव्य है, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि अन्नमलाई मंदिर कहाँ है, तो बेहिजक तमिलनाडु जरूर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। देखिए बद्रीनाथ मंदिर, काफ़ी मशहूर मंदिर है ये, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ये भारतवर्ष में पूरे। बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, ये आप लोग को याद रखना है, बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड में। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं सालों भर बद्रीनाथ की यात्रा, ठीक है। बद्रीनाथ अमरनाथ, तो याद रखिएगा बद्रीनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड में, अमरनाथ कहाँ पर था, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए अगले की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला आ गया है बुद्धेश्वर मंदिर, काफ़ी भव्य और पुराना मंदिर है ये तमिलनाडु में। बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है गाइस, तो बुद्धेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले पे बढ़ जाते हैं। अब अगला मंदिर आ गया है चेनाक्वा मंदिर, ये है कर्नाटक में, याद रखिएगा चेनाक्वा मंदिर, ठीक है। चेनाक्व सेवा मंदिर है ये, याद रखिएगा चेनाक्य सेवा मंदिर है। थोड़ा इसका हिंदी का ट्रांसलेशन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सही सही नहीं है, तो चेनाक्य सेवा मंदिर है ये है कर्नाटक में। आप लोगों को बस मंदिर का नाम याद रखना है और कहाँ पर है ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले मंदिर की ओर बढ़ते हैं। दुर्गियाना मंदिर ये है पंजाब में, काफ़ी मशहूर है ये दुर्गियाना मंदिर है पंजाब में, ये आप लोग को याद रखना है। और गाइज आप लोग बोल रहे हो भाई आज मंदिर का क्लास क्यों करवा रहे हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। देखिए क्वेश्चन मंदिर से आ रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन एक आध आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये आपके लिए जानकर रखना जरूरी है। क्यों मैं एक दो नंबर भी अपना वेस्ट करूं, और आज इतना शुभ दिन भी है विजयदशमी का दिन, तो मैंने सोचा कि आज ही ये मंदिर वाला क्लास करा दिया जाए आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग का भी इंटरेस्ट क्लास में बना रहे, और अगर आप लोग को ये क्लास मंदिर का पसंद आएगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर पूरा वीडियो पसंद आए मंदिर के ऊपर ये क्लास तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। दुर्गियाना मंदिर के मैं बात कर रहा था जो कि है पंजाब में, ठीक है। चलिए अगले की ओर बढ़ जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर, काफ़ी भव्य मंदिर है ये गुजरात में है, ठीक है। तो द्वारकाधीश मंदिर जो है काफ़ी भव्य मंदिर है, बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर जाते हैं गुजरात में इसी मंदिर को देखने के लिए, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगोत्री मंदिर ये है उत्तराखंड में,
गंगोत्री मंदिर जो है ये है उत्तराखंड में, याद रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में है गंगोत्री मंदिर, गंगोत्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं भारत में, पंजाब में है, सभी को पता है, आप लोग को याद रखना है गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर पंजाब में है, बस ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आ गया अगला मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं, गोमतेश्वर मंदिर, नाम याद रखिएगा गोमतेश्वर मंदिर, ये है कर्नाटक में, ठीक है। गोमतेश्वर मंदिर ये है कर्नाटक में, ये आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगले मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, 50 है स्लाइड, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करवा देते हैं, आप लोग को भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा क्लास में, और इस क्लास का बस आप लोग को एक बार रिवीजन कर लेना है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं बहुत सारे इसमें से मंदिर विजिट कर चुके होंगे, लेकिन आप लोग को बाकी जो जो विजिट नहीं कर पाए उनके बारे में जानना जरूरी है, कहाँ पर सिचुएटेड है, अगर आप लोग जाना चाहें तो ज़रूर जाइएगा। काफ़ी जितने भी मंदिर मैं लेकर आया हूँ ये भारत के टॉप 50 मंदिर हैं, तो आप लोग जा सकते हैं दर्शन के लिए भी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, होलेश्वर मंदिर, ये कहां पर है, होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर है ये है कर्नाटक में, ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर ये है कर्नाटक में, ये आप लोगों को याद रखना है बस, ठीक है। चलिए अगले की ओर बढ़ जाता हूं, इस्कॉन मंदिर, देखिए इस्कॉन मंदिर वैसे तो भारत में बहुत जगह है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ इस्कॉन मंदिर कहां पर है, तो आप लोग को देना है ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, ठीक है, काफ़ी फेमस मंदिर है ये उत्तर प्रदेश का, तो इस्कॉन मंदिर अगर आता है और ऑप्शन आता है तो उत्तर प्रदेश ही दीजिएगा, सही जवाब आपका होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि देखिए गाइज भारत का सबसे पुराना जो मंदिर किसको माना जाता है पूरे भारतवर्ष में, अभी तक पुराने मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा है जो भारत का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, जैसे कि मेरे ये सारे स्लाइड्स खत्म हो जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसका नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर दोनों पश्चिम बंगाल में है, हम लोग पश्चिम बंगाल से हैं तो यहाँ पर एक मंदिर के नाम नहीं रह सकता, ये दोनों मंदिर काफ़ी फेमस है यहाँ पर, तो कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर दोनों हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर ये है असम में, सभी मेरे फ्रेंड्स को जरूर पता होगा, ये फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कामाख्या मंदिर जो है ये है असम में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कनक मंदिर ये है आंध्र प्रदेश में, काफ़ी सुंदर मंदिर है ये, आप लोग देख पा रहे होंगे, कनक मंदिर जो है ये है आंध्र प्रदेश में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कांचीपुरम मंदिर, कितना सुंदर सुंदर मंदिर है हमारे साउथ के साइड में, आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, कांचीपुरम मंदिर है तमिलनाडु में, ये आप लोग याद रखिएगा, मंदिर का नाम याद रखिएगा कांचीपुरम मंदिर, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, थोड़ा इसको मैं नीचे कर दूंगा ताकि आप लोग देख पाएं, जी हाँ बिल्कुल। चलिए काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है, बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है ये है हमारा उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा बनारस के पास है ये काशी विश्वनाथ मंदिर, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर है उत्तर प्रदेश बनारस में, ठीक है। चलिए केदारनाथ मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है ये, केदारनाथ मंदिर हमारा उत्तराखंड में है, ये आप लोगों को याद रखना है बस, केदारनाथ मंदिर काफ़ी भव्य और सुंदर मंदिर है, बर्फ़ से देखिए ढका हुआ है पूरा, यहाँ पर लगभग बराबर बर्फ़ गिरते रहते हैं, तो याद रखिएगा केदारनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है और ये है उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, खजुराहो मंदिर ये कहाँ पर है, खजुराहो मंदिर देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, देखिए घंटी भी बज रही है बैकग्राउंड में, खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जल्दी से, कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है, भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है ये कोणार्क सूर्य मंदिर, इतना बड़ा और भव्य सूर्य मंदिर भारत का एकमात्र है ये कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, सभी को पता होगा और काफ़ी सारे फ्रेंड्स जा भी चुके होंगे और खुद देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, कुंभकोणम मंदिर ये है तमिलनाडु में, देखिए कितना सुंदर है ये
कुंभकोणम मंदिर है तमिलनाडु में, ये आप लोग को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन अगर दे देता है कि कुंभकोणम मंदिर कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो आप लोग प्लीज़ तमिलनाडु याद रखिएगा और उत्तर देकर आइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैं खुद जाकर आ चुका हूँ यहाँ पर, ये है दिल्ली में, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ भी मैं गया था, लिंगराज मंदिर, बहुत ही एक तरह से बहुत ही पुराना मंदिर भी है ये, और ये शिव जी का एकमात्र कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है, और मैं खुद देखकर आया कि बहुत ही वहाँ पर कारीगरी जो है वो पुराने ज़माने की दिखी थी मुझे, पत्थरों के सारे कुछ बनाए हुए थे। तो लिंगराज मंदिर याद रखिएगा, उड़ीसा में है, भगवान शिव का मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है लिंगराज मंदिर उड़ीसा, ठीक है। चलिए भगवान जगन्नाथ मंदिर, यहाँ भी मैं जा चुका हूँ, तो ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है और चार धाम में से एक धाम ये भी है। तो भगवान जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा याद रखिएगा, उड़ीसा में है पुरी में, जो कि बहुत ही फेमस हॉलीडे डेस्टिनेशन भी है अभी, तो याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ मंदिर जो है ये है उड़ीसा में, ठीक है, भगवान जगन्नाथ मंदिर याद रखिएगा। चलिए लोटस टेम्पल, ये है दिल्ली में, सभी को पता होगा, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लोटस टेम्पल कहाँ पर है, तो ये है दिल्ली में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, मालिनी थान मंदिर ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मंदिर का सारा फोटो दिया हुआ है, सारा दर्शन करा रहा हूँ मैं आज आप लोगों को, तो मालिनी थान मंदिर जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्या बोला, मणिकरण मंदिर जो है ये है हिमाचल प्रदेश में, काफी सुंदर है, आप लोग देख पा रहे होंगे तस्वीर में, मणिकरण मंदिर ये है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, इतना सुंदर है, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे तस्वीर में, इसका पिक्चर इतना सुंदर आया है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, बहुत ही सुंदर मंदिर है, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर घूम कर आइएगा, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। मीनाक्षी मंदिर याद रखिएगा कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अगले बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक हमारा, अगला मंदिर कौन सा है, तो ये है नैला पीपर मंदिर, ठीक है, नैला पीपर मंदिर ये है तमिलनाडु में, बहुत ही सुंदर मंदिर है, वहाँ के वर्ड्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने में, लेकिन आप लोग को नाम याद रखना है इसका, नैलाई पर मंदिर है, ये नैला पीपर नहीं है, क्योंकि हिंदी का इसका ट्रांसलेशन थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो नैलाई पर मंदिर जो है ये है तमिलनाडु में, याद रखिएगा मंदिर का नाम है नैलाइपर मंदिर, ठीक है, हिंदी को ओमिट कीजिए, यहाँ पर ट्रांसलेशन उतना सही नहीं है, नैलाइपर मंदिर है तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए राम तीर्थ मंदिर पंजाब में है, बहुत ही मशहूर और फेमस मंदिर है ये राम तीर्थ मंदिर, ये है गाइस पंजाब में, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए रामनाथ स्वामी मंदिर, यानी कि रामेश्वरम में जो सबसे फेमस मंदिर है ये रामनाथ स्वामी मंदिर, बहुत ही ज़्यादा भारत में कहा जाता है कि सबसे बड़ा मंदिर जो है वो यही है रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसको हम लोग रामेश्वरम मंदिर भी कहते हैं या रामेश्वर में ये पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है ये, याद रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, ठीक है, सबसे बड़ा भारतवर्ष का मंदिर है ये, वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए अगले पे जाते हैं, चलिए अगला देख लेते हैं, रनकपुर मंदिर, ठीक है, रनकपुर मंदिर है राजस्थान में, बहुत ही मशहूर मंदिर है ये, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं, रनकपुर मंदिर याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए सबरीमाला मंदिर, अभी तो जो भी लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं वो या रेगुलर न्यूज़ देखते हैं उनको तो ज़रूर पता होगा कि सबरीमाला मंदिर जो है ये है केरल में, ठीक है, केरल में सबरीमाला मंदिर केरल में है, याद रखिएगा केरला में, ठीक है। चलिए सांची स्तूप, ये कहाँ पर है, तो ये है गाइस मध्य प्रदेश में, सांची स्तूप ये है
मध्य प्रदेश में, ये आप लोगों को याद रखना है। सांची स्तूप क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है ये। चलिए अगले पे बढ़ता हूँ। शंकराचार्य मंदिर काफी फेमस मंदिर है ये भारत का, और ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो शंकराचार्य मंदिर है जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र में है, सभी को पता है महाराष्ट्र के कहां पर है, पुणे के पास शिरडी में ही ये है। तो शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र राज्य में है, शिरडी के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा शिरडी में है शिरडी साईं बाबा का मंदिर जो है महाराष्ट्र के राज्य में, ठीक है, याद रखिएगा शिरडी साईं बाबा। चलिए और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि तीसरा सबसे ज़्यादा चढ़ावा जो है वो शिरडी साईं बाबा को ही पड़ता है, तो याद रखिए आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर ये है दिल्ली में, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को ऑलरेडी पता होगा, और जो दिल्ली से हैं उनको तो जरूर पता होगा कि श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर दिल्ली में है, आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए सिद्धि विनायक मंदिर काफी फेमस मंदिर है ये, जो गणपति बप्पा का है, और ये है महाराष्ट्र में, आप लोग याद रखिएगा। मैं खुद गया हूँ यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा शांति मिली थी यहाँ पर जाकर, बहुत ही अच्छा यहाँ का दर्शन भी हुआ था हमारा, और मूर्ति भी बहुत ही प्यारी है यहाँ की। तो सिद्धि विनायक मंदिर है महाराष्ट्र में, मुंबई में है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सोमनाथ मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है ये गुजरात का, सोमनाथ मंदिर याद रखिएगा, काफ़ी फेमस मंदिर है गुजरात का, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी बार यहाँ जाते रहते हैं, सोमनाथ मंदिर गुजरात याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये है केरल में, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये है केरल में, आप लोगों को याद रखना है केरला में पड़ता है ये श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। देख पा रहे होंगे फोटो में कितना सुंदर मंदिर है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरल में, ठीक है। चलिए थिल्लाई नटराज मंदिर ये है तमिलनाडु में, कितना सुंदर है दिख रहा है ये पिक्चर में, आप लोग देख पा रहे होंगे थिल्लाई नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, ये आप लोग को याद रखना है। मैं मंदिर देख के इतना ज़्यादा भावुक हो जा रहा हूँ कि मेरा आवाज़ भी जल्दी नहीं निकल रहा है, जैसा मैं हर रोज़ क्लास में चिल्लाता रहता हूँ, तो बस आप लोग याद रखिए कौन सा मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, थिल्लाई नटराज मंदिर है तमिलनाडु में, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए तिरुपति बालाजी, मैं खुद यहाँ पर दर्शन कर चुका हूँ, पहाड़ों के ऊपर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश जरूर याद रखिएगा। चलिए वैष्णो देवी, यहाँ भी मैं जा चुका हूँ और काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी मेरे जा चुके होंगे, वैष्णो देवी मंदिर है जम्मू एंड कश्मीर में, कटरा में है, याद रखिएगा वैष्णो देवी मंदिर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, बच्चे बच्चे को पता होगा ये, मुझे पता है फिर भी बताना जरूरी है। चलिए विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पर है भैया, तो ये है कर्नाटक में, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक में, आप लोग याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक, ठीक है। चलिए यमुनोत्री मंदिर है उत्तराखंड में, ये आप लोग को याद रखना है, यमुनोत्री मंदिर है उत्तराखंड में, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड आप लोगों को याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए चलिए वहीं पर आ गया, मतलब मेरा 50 आज के जो फेमस मंदिर थे उनके बारे में मैंने आप लोग को आज बता दिया, साथ ही साथ मैंने क्या बताया कि सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको बोला जाता है, तो भुवनेश्वर को बोला जाता है, रिलीजियस कैपिटल भारत का कौन है, तो वो है वाराणसी है, तो ये सारी चीज़ आप लोग को याद रखना है। और 2001 के जनगणना के हिसाब से मंदिरों की जो काउंटिंग हुई थी 2001 के हिसाब से, उसमें बताया गया था कि 20 लाख से ज़्यादा मंदिर भारत में हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे मंदिर बन चुके हैं, तो ये आप लोग ऐसी जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, उसके बाद का अगर कुछ काउंटिंग आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट करवा दूंगा, ठीक है गाइस। तो ये क्लास अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और ये क्लास के लिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज के दिन विजयदशमी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए ये क्लास, सभी को पता होना चाहिए कि भारत के 50 मशहूर मंदिर कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है गाइस। तो कल मिलूंगा मैं रात को 8 बजे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, उस पर चर्चा करेंगे, कल मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल रात को ये स्टैटिक जीके का क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है, तो कल मिलते हैं रात को 8 बजे, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।